ये गरीब परिवार की लड़की कैसे बनी इतनी बड़ी तांत्रिक? विश्व भर में विख्यात क्या है? इतिहास। 11वीं शताब्दी की एक सुंदर लड़की कैसे बनी, देवी या योगन? कैसे एक पंजाब की लड़की असम राज्य के कामरूप जिले में कामाख्या शक्तिपीठ पर कैसे पहुंची और तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित एक नाम बन गई? लोना चमारिन। यह एक सच्ची घटना है। कैसे अपनी इज्जत के लुटेरों को सिखाई सबक, 11 ठाकुरों के परिवार को अबला लोना चमारिन कैसे उतारी मौत के घाट। लोना नाम की लड़की औरत और भी हैं, लेकिन आज उस लोना चमारिन के इतिहास को बता रहे हैं जो चमरी गांव में जन्मी लेकिन जादुई नगरी त्रियाराज या कामरू की बताई जाती है, जिसके नाम से चलता है शाबर मंत्र। जी हां, तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित देवी या योगन लोना चमारिन भारत देश के पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक चमार परिवार में जन्मी परियों समान सुंदर लड़की। बालपन से ही उसकी सुंदरता पर मोहित हर किसी की गंदी नजर पड़ने लगी। आज इसी लोना चमारिन की इतिहास को उजागर कर रहा हूं। लोना चमारिन के नाम से बहुत सारे शाबर मंत्रों की सिद्धि की जाती है। ऐसा मानना है लोना चमारिन द्वारा अपने नाम से बद्धित ये सभी शाबर मंत्र अचूक फलदायी होता है। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल आते हैं लोना चमारिन के इतिहास पर। तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम राज्य के कामरूप जिले में कामाख्या शक्तिपीठ पर कैसे पहुंची, और वो भी 11वीं शताब्दी में? इसकी पूरी कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। सारे रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए कलम अग्रसर है। अमृतसर के छोटा सा चमरी गांव से शुरू कामाख्या शक्तिपीठ तक का सफर, वो भी क्यों और कैसे? चमरी गांव में एक चमार जाति का छोटा परिवार रहता था। आपको इतना तो पता ही है उस समय इन छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का क्या व्यवहार था। उस समय उस चमार परिवार की भी दशा वही थी। उस चमार परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की का जन्म हुआ। इतना सुंदर थी कि बालपन से ही सभी मोहित थे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़की का नाम पड़ा लोना। लोना सुंदरता का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के ही नाम से जानने लगे हैं। लोना बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं अभिशाप होती है। लोना के लिए सुंदरता अभिशाप ही बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। लोना के माता पिता सहित दो भाई थे। एक भाई का नाम था इलय, दूसरे का नाम था गेंदा। ये दोनों भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। गांव वालों से लोना की आबरू बचाने के लिए बालपन में ही विवाह करा दिया गया। गांव में कुछ सालों रही, फिर गौना के साथ अपने पति घर चली गई। लोना का विवाह सफल नहीं रहा, ससुराल में कलह होने लगा। लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ, वापस अपने मायके चली आई। अब लोना लगभग 12-14 साल की युवती हो गई थी। विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। एक कथा कथित छोटी जाति की थी, गरीबी में पल बढ़ रही थी, यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की नजर खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और हुआ भी वही, उस चमरी गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी अपनी गंदी नजर डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था। जिस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुर खानदान से एक लड़का लोना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का निमंत्रण दिया, लेकिन लोना ने इनकार कर दी। लोना के मना करने से क्रोधित ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की मना कैसे कर रही है। बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी, फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने बारी बारी से उस लड़की को अपने दरवाजे पर नंगा कर बलात्कार किया। लोना अभी अधयुवा थी, अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था, तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब न ही कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट था, न संविधान, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय। उस समय ज्यादातर राजा महाराजा भी तो छोटी जातियों की लड़की औरतों का शोषण ही करते थे। राजा ऐसी मामलों की सुनवाई करता भी था तो जीत बड़ी जातियों की ही होती थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 11 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने की सोच भी नहीं रखी। युवा अवस्था का जोश ऐसा होता ही है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लोना चाहती थी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी लोना दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनी। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियां सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों एवं योगिनियों ने
अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला दिए थे। वे योगी जन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह शाबर मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्र में शाबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। लूना चमारिन ने इस्माइल जोगी से तंत्र मंत्र सीखी और उस 11 ठाकुरों को तरपा तरपा कर मार डाली। आपको जानकर हैरानी होगा कि लूना चमारिन का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य पद्मावत में हुआ है। लूना चमारिन के कारण ही आज हम जादू टोना की मदद से बुरी नजर जैसे कई उपाय करते हैं, क्योंकि जिस तरह लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वैसे ही तंत्र विद्या के लिए लूना चमारिन पर विश्वास किया जाता है। तंत्र मंत्र की दुनिया में लूना चमारिन को पूजा जाता है। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।